पर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर खूब हमले हुए, घरों और मंदिरों को जला दिया गया। लेकिन इन सबके बीच शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका के सड़कों पर प्रदर्शन किया और ये जता दिया कि बांग्लादेश की आजादी में उनका भी योगदान है, वो किसी भी हाल में बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। किसी को इतना ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। भले ही ये डायलॉग फिल्मी हो, लेकिन आज बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शन करते ये वो हिंदू हैं जिनके ऊपर पिछले 4-5 दिनों के अंदर जमकर अत्याचार हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हिंदुओं पर खूब हमले हुए, कई हिंदुओं को पीटा गया, उनके घरों को जला दिया गया, सामान तक लूट लिए गए, यहाँ तक कि हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। लेकिन अब बांग्लादेशी हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है और वो आर पार के मूड में है। शनिवार को हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, ये देश किसी के बाप का नहीं है। हिंदू समाज के लोगों ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को खुला पत्र लिखकर सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। इन लोगों ने कहा कि देश के लिए हमने खून दिया है, जरूरत पड़ी तो फिर से खून देंगे, लेकिन बांग्लादेश नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा के दौरान मूक दर्शक बने रहने को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर नाराजगी जताई और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक मंत्रालय और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की मांग भी की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से अब तक हिंदुओं के खिलाफ 205 घटनाएं हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।